नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पे निकल के सामने आ रही है और दोस्तों बिल्कुल लाइव पुख्ता सबूतों के साथ विद प्रूफ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो साइट थी उसके ऊपर जो बक्स आ रहा था, जो टेम्परेरी प्रॉब्लम आ रही थी, उसका सोल्यूशन आ चुका है। यानी कि जो फार्मर कॉर्नर का जो ऑप्शन था जो गायब हो चुका था दोस्तों, अब वो वापस आ चुका है, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है इस फार्मर कॉर्नर का जो ऑप्शन था इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग था, क्योंकि किस्तों के बारे में, स्टेटस के बारे में, करेक्शन के बारे में, नए रजिस्ट्रेशन के बारे में, लिस्ट में अपना नाम चेक करें, ये सारे ऑप्शन इसी फार्मर कॉर्नर के अंतर्गत थे। तो दोस्तों काफ़ी समस्या आ रही थी किसानों के सामने, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वापस आ चुका है और आज इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कैसे आप अपनी किस्तें चेक कर पाएंगे, कैसे लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे, वो भी विद प्रूफ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं सीधा गूगल के अंतर्गत। तो दोस्तों आप यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट आप यहां पे देख सकते हैं और यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फार्मर कॉर्नर। दोस्तों फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन आ चुका है, अगर आपको ये कोई एडिटिंग लगती है तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर ये जो इमेज है ये भी स्क्रॉल कर रही है यानी कि नेक्स्ट पेज आ रहा है। इमेज के अंतर्गत कभी भी ऐसा नहीं होता है ये आप जानते होंगे। तो चलिए फिर भी मैं आपको एक और पुख्ता सबूत आपको दे देता हूँ। तो चलिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो है ओपन कर लिया है गूगल का फ्रेश पेज। यहाँ पे हमें टाइप करना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं pmkisan.gov.in, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट है। इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दिया है। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट जो है ओपन हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको इमेज लगती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी पेज यहाँ पे खुले हुए हैं, ये किसी भी प्रकार की इमेज नहीं है, मैं लाइव आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे ये जो ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है इसमें आपको जो ऑप्शन मिलता था फार्मर कॉर्नर का वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। FAQ और कॉन्टैक्ट अस के बिल्कुल मिडिल में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और जो ऑप्शन थे जैसे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से नए किसान जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यहाँ से एडिट आधार फीचर रिकॉर्ड में अपने आधार कार्ड संबंधी करेक्शन कर पाएंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस में अपनी किस्तों का विवरण देख पाएंगे, बेनिफिशियरी लिस्ट में अपने गांव के लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन में खुद के रजिस्ट्रेशन के बारे में जान सकेंगे, डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप्स के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल ऐप है गवर्नमेंट द्वारा जो लॉन्च किया गया है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। इन 6 टॉपिकों के ऊपर मैंने वीडियो पहले से ही हमारे चैनल के माध्यम से बना रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और सरकारी योजनाओं के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये तमाम वीडियो देखने को मिलेंगे। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपनी किस्तों के बारे में चेक कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो बेनिफिशियरी स्टेटस दिखा रहा है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वही प्रोसेस हमारे सामने आ रही है। हालांकि कुछ इसमें बदलाव किया गया है, यहाँ पे जो एंटर का ऑप्शन है ये काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर तीनों ही तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जब आपने आवेदन किया था तो आपने आधार नंबर भी इनपुट किया था, मोबाइल नंबर भी और अकाउंट नंबर भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके ऊपर आप चेक मार्क लगा के वो आपको यहाँ पर इनपुट करना है और गेट डाटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर किसान का जो है आधार नंबर मैंने पेस्ट कर दिया है। दोस्तों पूरा आधार नंबर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से अब मेरे को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं दिखा सकता हूं लाइव, क्योंकि आगे पीछे का जो आधार नंबर है वो पता नहीं चलेगा। उसके बाद गेट डाटा के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही गेट डाटा के ऊपर हमने क्लिक किया तो आप यहां पे देख सकते हैं
यहाँ पे उस किसान की डिटेल हमारे सामने ओपन हो चुकी है, आप किसान का नाम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट के अंतर्गत फोर्थ इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन दिखा रहा है, यानी कि अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे अपने किस्तों के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट किस्त आ चुकी है, सेकंड किस्त और थर्ड किस्त, दो किस्तें जो हैं यहाँ पे पेंडिंग दिखा रही है। दोस्तों यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन दोनों ही यहाँ पे डन दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी विवरण नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अभी भी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, तो इसको अपडेट किया जा रहा है। दोस्तों इस साइट का लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है, वहाँ से जाके आप जल्द से जल्द अपनी किस्तों के बारे में आप संपूर्ण डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको अपने गांव की लिस्ट में अपना नाम चेक करना आपको बता देता हूं, कैसे आप जो है चेक कर पाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप हमें कमेंट करें, जल्द ही मैं आपकी प्रॉब्लम का रिप्लाई के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपका समाधान करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने गांव की लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाह रहे हैं तो आपको वही फार्मर कॉर्नर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों अब ये फार्मर कॉर्नर का जो ऑप्शन है नहीं ओपन हो रहा है, तो चलिए हम यहां से एक बार फिर से नेक्स्ट पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल साइट है इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से दोबारा से फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कमेंट मेरे को आ रहे थे उन वीडियो में जो पहले मेरे वीडियो अपलोड किए थे जब फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन गायब हुआ था, उन वीडियो को काफ़ी अच्छा प्यार मिला है, कम से कम 1.5 लाख लोगों ने उन्हें वॉच कर लिया है और 5,000 से ज़्यादा लाइक उन पे ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को भी आप ज़रूर 1,000 लाइक करेंगे, ये मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो था ओपन नहीं हो पा रहा था, काफ़ी मेरे को कमेंट आ रहे थे, उनमें यही बताया जा रहा था कि सर ये ऑप्शन नई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, ये इमेज के अंतर्गत कैप्चर कोड यहाँ पे डाल के आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको सिंपल सी डिटेल आपको फिलअप करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है कैसे नया रजिस्ट्रेशन करें, तो वो आप देख सकते हैं। तो अपने गाँव की लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपको यहाँ पर जो बेनिफिशियरी लिस्ट दिखा रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे हम बेनिफिशियरी लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट अंडर पीएम किसान के नाम से ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने स्टेट राज्य का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ब्लॉक और यहाँ पे विलेज का नाम आपको इनपुट करना है और गेट रिपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए एक स्टेट की पूरी डिटेल डाल के मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर राजस्थान की आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप जिस भी क्षेत्र से हैं आप अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि उस राज्य की जानकारी भी मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। तो हमने यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है, आपको यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो राज्य आप सेलेक्ट करेंगे उसके सभी विलेज के नाम आपको यहाँ पे सो रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पर अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है ये सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हमने यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है। उसके बाद ब्लॉक में आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, और विलेज के अंतर्गत आपने जो ब्लॉक सेलेक्ट किया है उसके सारे विलेज यहाँ पर शो होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक विलेज जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे कस्बा बानसूर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना सेलेक्ट करने के बाद अपना आप अपनी चेक करना चाह रहे हैं तो अपना स्टेट डालें, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और अपने गांव का नाम डाल के आपको यहाँ पे गेट रिपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे पेज रिफ्रेश होगा, और उसके बाद नीचे यहाँ पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से सीरियल नंबर, फार्मर नेम और जेंडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे एक लिस्ट के अंतर्गत 50 कैंडिडेट्स के नाम है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर सकते हैं। 10 पेज यहाँ पे शो रहे हैं, जैसे आप 10 पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 500 कैंडिडेट्स के नाम शो होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 500 कैंडिडेट आ चुके हैं। राम अवतार है 500 नंबर पर। अगर आप फिर भी आपको नेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं और पेज ओपन हो चुके हैं, अधिकतम 15 पेज हैं। तो चलिए हम लास्ट पेज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे 1500 कैंडिडेट्स के नाम आने चाहिए। तो दोस्तों अभी तक जो है 722 लोगों के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है हो चुके हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने गाँव की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन जो गायब हो चुका था वो यहाँ पर आ चुका है। आप यहां पे संपूर्ण डिटेल चेक कर सकते हैं।
जो भी प्रॉब्लम आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित आ रही है हमें कमेंट करें। मैं जल्द ही आपकी कमेंट के माध्यम से जो भी समस्या आएगी उसका समाधान आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, चाहे वीडियो के माध्यम से या उसके रिप्लाई के माध्यम से। और दोस्तों फिर आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना काम जरूर कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल के आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर पाएँ।